Guys, हाँ जी स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे तो आज बात करेंगे कि जो लोग जर्मनी में एंटर होते हैं किसी दूसरी कंट्री से चाहे वो विजिट इलीगल तरीके से आते हैं लेकिन इलीगल तरीका नहीं यूज़ करना चाहिए तो कैसे आप वहाँ पे आके तो ये वीडियो आगे है आगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे कि उनको पूछा जाता है कि आप यहाँ पे रहना चाहते हैं अजैलम लेना चाहते हैं तो अपना कुछ अपनी कंट्री के बारे में बताइए कि आप किस कंट्री से और आप यहाँ पे अजैलम क्यों लेना चाहते हैं तो जैसे कि हम इंडियन लोग आते हैं ज़्यादातर तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना बयान बताते हैं कि हाँ मेरे को वहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम है कोई मेरे को मेरी जहाँ ऐसे ऐसे बयान वहाँ पर लिखवाए जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वो एक मेन रीज़न देखते हैं कि कौन सा ऐसा रीज़न है कि जिसके कारण ये इंसान अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकता और इसको यहीं पे अजायलम लेनी है तो उस बेस पे आपका केस चलता है आगे तो केस चलता है तो केस के ऊपर ही डिपेंड होता है आपका कितना स्ट्रॉन्ग केस है आपकी कितनी रियलिटी है आपके केस में तो उसके बेस पर ही आपको वहाँ पर अजायलम मिलती है और अब आपको बताता हूँ फर्स्ट में क्या होता है फर्स्ट में जब आपके जब बायोमेट्रिक लेते हैं वो सब कुछ बयान लेते हैं तो खाना पीना रहना वहाँ पे फ्री होता है और वह एक ओपन कैंप होता है जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि वहाँ से कैंप से फिर निकला जा सकता है नहीं तो वो ओपन कैंप होता है आप बाहर भी जा सकते हो घूमने फिरने फिर आप वापस वहाँ पे आके रह सकते हो खा पी सकते हो तो अगर आपका वहाँ से मानना है कि नहीं मेरे को नहीं यहाँ पे रहना मेरे को जाना है तो वो ओपन कैंप होता है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि आपके साथ साथ कोई घूम रहा है तो दूसरी बात जब आपके बायोमेट्रिक वगैरह सब हो जाते हैं तो आपकी दो तीन बार एक हम बोल सकते हैं इंटरव्यू टाइप होता है वहाँ पे तो उसमें आपको फिर वो क्लियर करते हैं बार 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 कि इस आदमी ने जो पहले दिन बताया था सेकंड टाइम भी वही बोला या अब ये चेंज हो गया अपने जो इसने फर्स्ट टाइम बयान दिए थे अब कुछ और बोल रहा है या नेक्स्ट टाइम कुछ और बोल रहा है उसके ऊपर भी सारा कुछ डिपेंड होता है तो अभी कुछ मेरे दोस्त हैं जो बेलारूस रशिया से थे बाद इधर अपना पोलैंड के थ्रू जर्मन आए थे तो उनसे मेरी बात होती रहती है कई बार वह की थी तो तीन से चार महीने बाद उन्हें परमिशन मिल चुकी थी काम की काम करने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी है उनका अकाउंट नंबर भी ओपन हो चुका है अकाउंट ओपन हो गया है और दूसरा गवर्नमेंट उन्हें हर महीने साढ़े तीन सौ से चार सौ चार सौ दस बीस ऐसे करके अलग अलग उसमें उनको पेमेंट आती है चार सौ यूरोढ़े तीन सौ यूरो करके तो वो उनको आती है काम की उनको परमिशन मिल चुकी है लेकिन उनको अभी झील नहीं मिली अजालम नहीं मिली है तो वो अभी काम करके वहाँ पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं सब सही है लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको आप जर्मन की अजैलम ले लोगे अगर आपको मिल जाती है लेकिन उसके अंदर क्या है आप उस अजैलम के ऊपर आप अपनी होम कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते सिर्फ आप जर्मन में रह के ही पैसा ज़रूर कमा सकते हो लेकिन उस पर आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते ठीक है तो जो लोग अभी कुछ जैसे भाई यहाँ पे पुर्तगाल में रहते हैं आके के यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट बनवाते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं सबको पता है, पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है काम बहुत कम है तो काम सिर्फ यहाँ पे इतना ही होता है वो भी किसी किसी को मिलता है कि हाँ आप अपने चला सकें कि आपको घर से पैसे ना मंगवा अगर इतना काम भी यहाँ पे कई लोगों को मिल जाता है वो भी बहुत शुक्र अदा करते हैं रब का कि हमें इतना भी मिलेगा क्योंकि काम के हालात ठीक नहीं है पुर्तगाल में यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं और नौकरियाँ इतनी नहीं हैं तो दूसरा पर ये है कि जो यहाँ पे एक से दो साल रुक के स्ट्रगल कर लेता है उसको यहाँ की रेजिडेंस इशू हो जाती है उसके बाद वो उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस होती है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं वो अपनी होम कंट्री भी जा सकता है और यहाँ पे अच्छी जॉब भी सर्च कर सकता है और कई लोग जो रियलिटी है वो यहाँ का रेजिडेंस लेने के बाद अदर कंट्री जाके भी वर्क करते हैं वैसे वो इलीगल है पर जाते हैं लोग और वहाँ पर काम करते हैं तो जो लोग आते ही सोचते हैं कि हम पहले पैसे कमा लें वो जर्मन या फ्रांस या ऑस्ट्रिया में जाके जैलम लेने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे पैसा कमाने की सोचते हैं लेकिन तो वो ऐसा कमाते हैं लेकिन बाद में अगर उनको अपनी होम कंट्री जाना पड़ जाए या कुछ भी है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है तो मैं यही बताऊँगा तुम्हें मेरे को मैसेज आते हैं कि आप अजायम के बारे में बताओ ना जर्मन के अजायलम के बारे में तो अजायलम के बारे में यही है कि आप वहाँ पे आओगे आपका प्रॉपर आप जो बयान दोगे उसके ऊपर डिपेंड है आपको अजायलम गवर्नमेंट देती है या नहीं देती है आपका पीछे का बैकग्राउंड वो पूछते हैं क्या है कहीं बोलते हैं कि वहाँ पर नाम गलत लिखवा दो या ऐसे लिखवा दो या अपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवा दो लेकिन ये सब झूठ है आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सही लिखवाएँ वो गलत मतलब लिखवाएँ कभी भी क्योंकि उससे ये कुछ नहीं होता कि वो बोलते हैं कोई तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे ये वो नहीं वो सबसे पहले वो नाम लिखेंगे आपका और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो उससे आपकी आईडी बनती है और उस आईडी के बेस पे ही आगे, आगे आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर आपको वहाँ की गवर्नमेंट से कोई डॉक्यूमेंट भी ईशू होगा तो वो आपका वही नाम और डेट ऑफ बर्थ पर होगा वो चेंज नहीं होएंगे तो वो कभी गलत ना लिखवाएँ और दूसरा कभी भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि आपको फर्स्ट टाइम में पकड़ा और आपको डिपोर्ट कर दिया ऐसा कभी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है वो आपको पहले वार्निंग देते हैं और फिर उसके बाद कंट्री आउट की वार्निंग देते हैं अगर वो आपको आपकी अज़ाइलम का केस रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कंट्री आउट की आ, मिलता है उसके अंदर अंदर कुछ दिन के एक आपको टाइम देते हैं कि इतने दिन के अंदर हमारी कंट्री को छोड़ दो तो उसके बाद आप कंट्री आउट कर सकते हैं ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि हाँ पहले बारे में ही आपको पकड़ा और बोला चलो आप एक बिल्कुल मिला के अजैलम लेना चाहते हैं तो आपको कैंप जाना पड़ेगा और तीन चार पाँच छः महीने के तकरीबन आपको उस कैंप में रहना भी पड़ेगा उसके बाद ही आपके सारे प्रोसेस परसे, होता है फर्स्ट स्टेप बाई स्टेप पहले आपका एक कार्ड इशू होता है वहाँ से फिर आपके मेडिकल होता है फुल बॉडी फिर एक और कार्ड इशू होता है ऐसे इंटरव्यूज़ होती हैं फिर उसके बाद आपको परमिशन मिलती है काम की अगर आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको जैलम मिल जाती है आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो अगर नहीं एक्सेप्ट होता तो आपको वो एक बार वार्निंग देते हैं कंट्री आउट की उसके बाद आप वहाँ से जा सकते हो और कई लोग ऐसा करते हैं वहाँ पे अगर उनकी वहाँ पे अजैलम एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन उनके पास पुर्तगाल होता है और वो यहाँ पे आके अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और टैक्स पे करके अपनी रेजिडेंस ले लेते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप वहाँ की ऐलम लेना चाहते हो या पुर्तगाल का रेजिडेंस तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर कुछ वीडियो में कुछ रहा हो कुछ आप और जानना चाहते हो या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करें थैंक यू